जो लास्ट क्वेश्चन का आधा पार्ट हमने किया था वहीं पर है हम अभी, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हो गया था अप्रैल 20 तक, इलस्ट्रेशन 5 कर रहे हैं टीएस सुरेवाल का। अब हम करने वाले हैं इसी के आगे अप्रैल 24 इज द डेट, डेट इज अप्रैल 24, ठीक। क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, ठीक है। तो यानी कृष्णा से पैसे मिले, पैसे लिए हमने, रिसीव का मतलब क्या होता है, पैसे लिए। तो अकाउंट में पैसे आए यानी बैंक में आए होंगे पैसे, भाई बैंक में पैसे आए, बैंक एसेट है उसमें पैसे बढ़े, तो हमने क्या किया, बैंक को डेबिट किया, ठीक। और कृष्णा से मिला, कृष्णा हमारा डेटर था, एसेट था, एसेट अब कम हो गया ना, उसने इतने पैसे दे दिए, उसकी जिम्मेदारी इतने की खत्म हो गई, तो डेटर हमारा कम हो गया। तो जैसे ही एसेट कम होगा उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू कृष्णा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, समझ आ रहा है कि बैंक में पैसे आए, एसेट बढ़ गया, ये भी एसेट था और कृष्णा भी एसेट था, कृष्णा डेटर था इसलिए एसेट था और बैंक तो एसेट है ही, यहां पर ये एसेट बढ़ गया तो डेबिट हो गया, ये एसेट कम हो गया, इसने कुछ पैसे चुका दिए, इसकी जिम्मेदारी कुछ की कम हो गई, यानी ये एसेट कम हो गया, तो कम हुआ तो ये क्रेडिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कितना, 10,000, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, ठीक, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। अप्रैल 28 को देयर इज एन एंट्री, अप्रैल 28 को क्या है, पेड टू श्याम बाय चेक, चेक से पे किया गया है श्याम को, श्याम को चेक से अमाउंट पे किया गया, हमने यहाँ पे श्याम से माल खरीदा था ना, अब हमने क्या किया गया, उसे श्याम को चेक से पे कर दिया गया। तो अब दो अकाउंट कौन सा हो जाएगा, एक तो श्याम हो जाएगा भाई और दूसरा क्या हो जाएगा, बैंक। क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, श्याम हमारा क्या था, हमारी लायबिलिटी थी, हमें उसे पैसे देने थे, लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम होगी तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो श्याम डेबिट हो जाएगा। और चेक से पैसे दिए ना, बैंक से पैसे दिए, तो बैंक क्या हो गया, बैंक में पैसा कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, टू बैंक, बैंक जब बैंक से पैसे कम हो गए तो बैंक को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 22,500। क्या एंट्री बनी इसकी, श्याम डेबिट टू बैंक, हम नाम क्या आ गया, अकाउंट नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो हमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा के तब अकाउंट लगाना है, ठीक है। अप्रैल 28 तक की एंट्री हमने कर ली है। नेक्स्ट हम अप्रैल 29 पे आते हैं, अप्रैल 29 पे देखिए क्या ट्रांजैक्शन लिखा है, अप्रैल 29 में लिखा प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद दारूवाला एंड कंपनी, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद दारूवाला एंड कंपनी। जब भी खाली कोई ऑर्डर प्लेस किया गया है, यानी अभी कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, तो उस चीज की एंट्री हम नहीं करेंगे। जब तक कोई ट्रांजैक्शन ना हो, खाली ऑर्डर प्लेस करने की एंट्री नहीं होती है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट इज अप्रैल 30 कैश सेल्स, अप्रैल 30 क्या है, कैश सेल्स है। दो अकाउंट क्या है, एक तो कैश है और दूसरा सेल्स है, एक तो कैश है और दूसरा सेल्स है। कैश को हमने डेबिट किया है, क्यों डेबिट किया है, कैश सेल्स में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश आपके पास आ रहा है, एसेट आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स इनकम है, इनकम बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है, इनकम बढ़ रही तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये अमाउंट है आपका कैश सेल्स का 8,000, ठीक है, 8,000 इज द अमाउंट। अमाउंट को ध्यान से देखना है, हम ऊपर नीचे कर लेते हैं कई बार अमाउंट को देखने में, तो अमाउंट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज अप्रैल 30 अगेन,
पेड सैलरी टू राम, दो अकाउंट आया, यहां पे आप नरेशन लिख दीजिएगा कि कैश सेल्स डन, कैश सेल्स डन, ठीक। और अब हम अप्रैल 30 पे नया ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी टू राम। क्या ट्रांजैक्शन है? ठीक, पेड सैलरी टू राम। तो हमने क्या किया, सैलरी अकाउंट को डेबिट किया और राम को क्रेडिट किया। क्यों भाई, क्यों किया ऐसा? हमने सैलरी खर्चा है, ठीक, खर्चे को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किसको दे रहे सैलरी? अपने एम्प्लॉय को दे रहे जिसे हमें पैसे देने थे, ठीक है। तो सैलरी जो खर्चा है उसे हम डेबिट कर देंगे, ओके। कितना रुपए हो जाएगा, ये अमाउंट है 3000। वेट, यहां पर राम नहीं आएगा, यहां पर कैश आएगा। क्या सैलरी कैश में दी जा रही है, ठीक है। हम सैलरी जब भी देंगे तो कैश में देंगे, तो वहां पे हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमें क्या लिखना है, सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। कैश में दे रहे हैं, कैश कम हो रहा है, कैश कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। यहां पर नरेशन में जरूर लिख सकते हैं कि सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम, फाइन। अप्रैल 30 हो गया, एक और अप्रैल 30 का है। अब दो ट्रांजैक्शन और है अप्रैल 30 के, हम फटाक से कर लेते हैं उसे। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी। तो एक अकाउंट आएगा स्टेशनरी का, और किस चीज में पे किया गया होगा, किस चीज में पे किया गया होगा, कैश में, स्टेशनरी और कैश। स्टेशनरी खर्चा है, छोटे छोटे खर्चे होते हैं, इसलिए डेबिट हो जाएगा। कैश में पे किया जा रहा है, कैश कम हो रहा है, कैश कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए, 250 रुपीज, 250 रुपीज, ओके। ये हो गया। लास्ट इज रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा, रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा। अब हमें देखना है कि बैलेंस पेमेंट कितना था, पहले हम एंट्री देख लेते हैं। बैलेंस पेमेंट आया, कैसे आया होगा, कैश में आया होगा, कैश बढ़ गया तो डेबिट कर देंगे। कृष्णा क्या था हमारा, हमने कृष्णा को माल बेचा था तो हमारा डेटर था, डेटर हमारा कम हो गया या खत्म हो गया, तो डेटर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कृष्णा, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, बैलेंस पेमेंट। आप पुरानी एंट्रीज देखेंगे, 15,000 का माल बेचा था, इसके पहले उसने 10,000 रुपए अकाउंट में दिए थे, तो बैलेंस पेमेंट कितना बचा, 15,000 का बेचा था और 10,000 दिए थे, तो बैलेंस पेमेंट बचा 5,000। तो ये 5,000 से हम ये एंट्री करेंगे, ठीक है। आई होप सबको सब कुछ क्लियर है। इसमें आप नरेशन लिखेंगे, इसमें आप लिख देंगे बीइंग स्टेशनरी परचेज, और यहां पर आएगा बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, ओके। ये इलस्ट्रेशन 5 पूरी तरह से खत्म होता है। थैंक यू।